हाय दोस्तों, फिर से एक नए वीडियो में आप लोगों का स्वागत है। तो दोस्तों, आज फिर से आए हुए हैं एक नए लोकेशन में, और आज इसलिए यहां आए कि आप लोगों को एक चीज़ दिखाने वाले हैं। शायद आप लोग खाए भी होंगे और पहचानते भी होंगे, तो जो जो पहचानते हैं वो लोग कमेंट में बताएं कि क्या चीज़ है, और जो लोग नहीं पहचानते हैं वो लोग वीडियो में बने रहें और देखें कि मैं क्या चीज़ के बारे में बता रहा हूँ और क्या चीज़ दिखा रहा हूँ। तो दोस्तों, हमारे साथ एक जाने पहचाने हमारे एक मित्र है जो मेरे पास है, और मैं दिखाना चाह, आइए इधर। तो यही है, आप इसको पहचानते होंगे। इनका नाम जो है कि आप नाम बताते हैं? अयूब अंसारी मेरा नाम है। हेलो, इसका नाम अयूब अंसारी है, और इसी का क्षेत्र में हम अभी आए हुए हैं, और यहाँ पे इन्होंने बहुत सारा मक्का लगाए हैं, और इतना हैवी हाइब्रिड मक्का लगाए हैं कि आप लोग देखिएगा तो आप लोगों को पसंद आएगा। तो चलिए चलते हैं जहाँ लगाए हैं खेत पर, वहाँ। तो दोस्तों, हम लोग आ चुके हैं अभी इनका जो खेत है यानी बाड़ी जो है उसमें आ चुके हैं, और आप देख सकते हैं कि कितना सारा मक्का लगा हुआ है। थोड़ा इधर दिखाइए, कितना सारा मक्का लगाया हुआ है, लेकिन एक भी मक्का अभी हुआ नहीं है दोस्तों। अभी सब होने की कगार पर है, ये देखिए, ये देखिए। तो आप मक्का आप लगाए हैं? जी, हम ही लगाए हैं। तो कितना दिन पहले लगाए? अभी एक महीना हो रहा है। एक महीना हो गया? कितना दिन में ये पक जाएगा एकदम? तीन महीना। तो दोस्तों, इसने बताया कि 3 महीना के अंदर में ये पक जाएगा और खाने में भी बहुत अच्छा लगेगा। इसमें दाना कब भरता है? कितना, 3 महीना या 2 महीना के बाद? 2 महीना के बाद दाना भरेगा धीरे धीरे। अच्छा, उसके बाद रेडी होने में 3 महीना पूरा ले लेता है। अच्छा, रेडी होने में 3 महीना। तो दोस्तों, आप लोग मक्का तो खाए होंगे, और नहीं खाए हैं तो आप इनके बारे में जान लीजिए कि 3 महीना में जो भी किसान, ये किसान भी है, तो ये जब मक्का लगाए हैं तो बोलता है कि प्रत्येक साल लगाते हैं, और 3 महीना में ये रेडी होता है। 2 महीना के बाद इसमें दाना आना शुरू हो जाता है, और जैसे दाना आ जाता है तो इनको तोड़ तोड़ के भी क्या बोलता है, भुट्टा जो बोलते हैं बाजार में, हम लोग तो देहात में इस दूसरा नाम से बोलते हैं, मकई। हम लोग उसको पका के आग में उसको डाल के पका के उसको खाते हैं। बहुत ही मज़ा आता है, बहुत ही टेस्टी आता है। अगर यकीन ना हो तो आप लोग बाज़ार में ख़रीद के आप लोग पका के खाएं, और उसका स्वाद कैसा है हमको कमेंट करके बताएं। तो मैं आप बोलना चाहूँगा, इतना सारा मक्का जो लगाए हैं वो आप अकेले घर में खाइए कि बेचते भी हैं? कुछ बेचते भी हैं, घर में भी खाते हैं, अकेले इतना कैसे खाइएगा? हाँ, वो तो है। तो कुछ बेचते हैं और कुछ मतलब घर में भी खाते हैं? घर में भी यूज होता है। हाँ, कैसे किलो बेचते हैं इसको? वही 20 रुपया चलता है। 20 रुपया? हाँ। दोस्तों, आप लोग के उधर कितना रुपया किलो है ये कमेंट में जरूर बताइएगा। इधर 20 रुपया किलो सबसे सस्ता, और कुछ दिन के अंदर में हमको लगता है कि और भी कम हो जाएगा, क्योंकि यहाँ बहुत सारा आदमी मक्का लगाते हैं। लगाते हैं कि नहीं? हाँ, बहुत सारा आदमी लगाते हैं, पूरा गांव का आदमी। हाँ, लगभग कितना क्विंटल ये के ठो आप खेत में लगाए? 10-12 गो खेत है। 10-12 गो है? हाँ। मतलब उधर भी है। देखिए दोस्तों, जितना दूर उधर नजर जा रहा है वहाँ तक मक्का लगा हुआ है, और इधर देखिए इधर भी है, एकदम घर के सामने से शुरू हुआ है। जो ये क्या लगाए? बादाम लगाए हैं। तो दोस्तों, मैं बताना चाहता हूँ कि मक्का के साथ साथ ये देखिए बादाम भी लगाए हैं। आप लोग इसको पहचानते होंगे, देखिए अभी बादाम का पौधा है कि अभी छोटा है ना? अभी छोटा है। ये कितना बड़ा तक होता है पौधा? बस इतना ही बड़ा होता है, नीचे जमीन में। अच्छा, इतना ही बड़ा होता है, लेकिन जमीन के अंदर में ये बैठता है। और ये कितना दिन में तैयार होते हैं? 3 महीने। दोस्तों, ये भी लगभग 3-3.5 महीना के अंदर में ये भी तैयार हो जाता है, और इसके बाद इसको खुदाई करके निकाला जाता है। तो ये सब भी आपका है? सब मेरा है। अच्छा, इधर जितना है सब आपका है ना? सब मेरा। तो हम बताना ये चाहते हैं कि आप जैसे किसानी करते हैं, खेती करते हैं, तो धान लगाने के बाद मक्का लगाते हैं कि धान लगाने से पहले मक्का लगाते हैं? पहले लगाते हैं। और पहले लगाते हैं, उसके बाद धान रोपते हैं? उसके बाद धान। अच्छा, साल में कितना मतलब प्रकार का आप सामान उगाते हैं? इधर साल में 2-3 बार जैसे खेती, आलू लगाते हैं, प्याज लगाते हैं। अच्छा, आलू लगाते हैं, प्याज लगाते हैं, मक्का लगाते हैं, धान लगाते हैं, गेहूँ लगाते हैं कि नहीं? गेहूँ नहीं, गेहूँ नहीं होता है ना, पानी का थोड़ा कमी। तो दोस्तों, मौसम के अनुसार इधर पानी थोड़ा कम हो रहा है झारखंड में अभी, और
जिस हिसाब से पानी है उस हिसाब से भाई अपना खेती करते हैं, साथ ही साथ वीडियो भी हमारे साथ बनाते हैं। आप तो इनको देखे होंगे एक दो वीडियो में, और खेती अच्छा ढंग से हो जाता है, मतलब जितना भी करते हैं अच्छा ढंग से हो जाता है। तो आज तो मक्का के बारे में आप लोगों को बता दिए दोस्तों, आप लोग को उधर क्या क्या खेती करते हैं आप लोग भी कमेंट में बताइए। तो दोस्तों यही वो युवा लड़का है जो कि एक्शन और ट्रेंड है, क्योंकि इसको ये बोल रहा था कि मैं ऐसा कर सकता हूँ वैसा कर सकता हूँ, आज देखते हैं कि ये क्या कर पाता है। ये बहुत ही ज़्यादा छलांग मारते हैं तालाब में और टाँड में भी, तो यहाँ फील्ड में देखते हैं कैसा छलांग मारते हैं और कैसा ट्रेंड है और कैसा एक्टिंग करते हैं। वाओ, देखिए दोस्तों इन बच्चों में भी कला कुट कुट के भरा हुआ है। और ये लोग कौन है, आपका साथी है? हाँ साथी है मेरा। अच्छा अच्छा, ये लोग साथी है ना। और ये है हमारे जो कि एक वीडियो में काम कर चुके हैं, आपका नमा भूल जाते हो, निरुपति है हमारा। ये इसका डेंजर रोल है, लेकिन आप थोड़ा आवाज़ ट्रेंड कीजिए, आवाज़ थोड़ा मोटा कीजिएगा। ठीक है। तो आपका यही एरिया में घर है? चलिए ठीक है, साथे में आइएगा, है कि नहीं? ठीक। तो दोस्तों हमारे ये वीडियो आप लोगों को कैसा लगा कमेंट में बताइएगा। आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं एक न्यू वीडियो नया लोकेशन में, तब तक के लिए बाय बाय।